ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज टू के बीच की दूरी घटाने के लिए जल्द ही 7 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके बाद वाहन चालकों को फाटक बंद होने पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरओबी बनाने का जिम्मा यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इंजीनियरों की टीम ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इस बारे में मीटिंग की। ग्रेटर नोएडा से होकर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली कानपुर हावड़ा रेलवे लाइन के बराबर में इसका निर्माण कार्य हो रहा है। फेज टू में इसका विस्तार किया जाना है। इसी प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने फेज टू में पल्ला, कठेड़ा, चिठेरा, बोड़ाकी आदि गाँव की जमीन अधिग्रहण की है। अभी ग्रेटर नोएडा फेज टू में आने जाने के लिए दिल्ली कानपुर रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है। यहाँ कई बार काफी देर तक रेलवे फाटक खुलने का इंतजार करना होता है। बंद फाटक पार करने के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब मारीपत रेलवे स्टेशन से लेकर दनकौर तक 7 आरओबी बनेंगे। पहला आरओबी दनकौर में अस्तोली के पास, दूसरा अजायपुर रेलवे स्टेशन के पास मायचा रिठारी के पास, तीसरा पल्ला, चौथा बोड़ाकी, पांचवा रामगढ़, छठा आमका और सातवां मारीपत स्टेशन के पास सदुल्लापुर रेलवे फाटक पर बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा फेज टू का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। फेज टू के मास्टर प्लान में दादरी, बुलंदशहर और हापुड़ जिले के 81 गाँवों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा फेज टू में बादलपुर, साधोपुर, अछेजा, खेड़ा, चिठहेरा, चिपियाना आदि गांव की जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।